फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल और आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ ये कोई नॉर्मल ब्रेड रोल नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये है हमारा मावा ब्रेड रोल। जी हाँ, ये एक ब्रेड और मावे से बनने वाली इतनी यमी और टेस्टी मिठाई है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पे बहुत ही आराम से बना सकते हैं और ये बच्चे बड़ों सबकी एकदम फेवरेट मिठाई है। आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये मिठाई आपके फेस्टिवल्स और आपके किसी भी पार्टी में चार चांद लगा देगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है ये एक कप मावा, फ्यू चॉप्ड नट्स, इसमें मैंने काजू और बादाम लिया है और उन्हें अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। किशमिश भी अगर बड़े साइज की हो तो आप उसे चॉप कर लीजिए दो बीच से। चाशनी बनाने के लिए हमने लिए हाफ कप शुगर, नॉर्मल शुगर, और हमारे मावा मसाले के लिए मैंने ये हाफ कप पाउडर्ड शुगर ली है। ये हमारा इलायची पाउडर है जो हमारे मसाले में डलेगा। ये हमारे ब्रेड स्लाइसेस, हाफ कप ऑफ मिल्क हमें लगेगा, और फाइनल गार्निश के लिए ये नारियल का बूरा, ये कुछ पिस्ते मैंने लंबे लंबे चॉप करके रख लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम शुरू करते हैं अपनी ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो स्टेप वन है हम अपने इस मावा को सेकेंगे, जिसके लिए मैंने ये पैन ले लिया है, गैस ऑन कर दिया है और अब कढ़ाई में मेरा ये मावा मैंने डाल दिया है। इसे हमें अच्छे से करीब 2-3 मिनट्स तक सेक लेना है। जैसे ही आपको लगे कि आपका मावा सेक चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हमारे इस मावे को वापस इस बोल में निकाल लेंगे और अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें अब इसका मसाला रेडी करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि मसाला इसका कैसे तैयार होगा हमारे अगले स्टेप में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे मसाले बनाने के लिए मैंने ये इस तरीके से एक बोल ले लिया है, मिक्सिंग बोल, जिसमें मैं अपना ये मावा डालूंगी। आप ये मेक श्योर करें कि जब आप इसमें मावा ऐड, जो मसाले के लिए जब आप ये मावा रखें तो आपका मावा ठंडा हो चुका हो, अदरवाइज जो आपकी शुगर है वो पानी छोड़ देगी। तो पहले हम थोड़ा सा मावे को ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें ये हमारी पाउडर शुगर मिलाएंगे। शुगर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें हमारे ये जो चॉप ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे, काजू और बादाम, इसे ऐड कर लेती हूँ। थोड़ी सी ये किशमिश भी मैं यहाँ मिला रही हूँ इसमें। और फाइनली ये हमारा इलायची पाउडर, ये हमारे पूरे मसाले को एक बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों देगा। फाइनल मिक्स। और फ्रेंड्स, हमारा ये मावा मसाला अब बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब स्टेप थ्री की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारे रोल्स की बॉल रेडी करना। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले मैं इनके साइड्स कट करूंगी। ओके, तो साइड्स हमारे कट हो गए, ये ब्रेड के पीसेस हमारे रेडी हैं। अब ये जो मेरी फिलिंग थी इसे भी मैं ओवल शेप में इस तरीके से बना लेती हूँ। ये देखिए आप, जो हम ब्रेड के बीच में भरेंगे इस तरीके से हम इसे ओवल ऐसे रख के बना लेंगे। ओके, तो इन रोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा हाफ कप मिल्क हमने यहाँ पे लिया था, ये इसमें हम अपनी ब्रेड को हल्का हल्का सा डिप करेंगे इस तरीके से, एक्सेस मिल्क निकाल लेंगे। सेम जैसे हम नॉर्मल ब्रेड रोल बनाते हैं तो उसमें हम ब्रेड को पानी में डिप करते हैं, इसमें हम मिल्क में डिप करेंगे और इस तरीके से इसे इसकी ये रोल हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। देखिए, अब सेम प्रोसेस हम बाकी ब्रेड्स के साथ भी करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं। हमारे रोल्स जो बॉल्स हैं वो तो रेडी हो ही गए हैं, लेकिन उनको फ्राई करने से पहले हम अपनी पहले चाशनी रेडी कर लेते हैं। हाफ कप ऑफ वाटर, देखिए फ्लेम हाई है और मैं इसे इस तरह से चला रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे यूजुअली हम बर्फी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें एक तार या दो तार की चाशनी लेनी होती है, लेकिन इसमें हमें इस तरीके से तार वाली कोई चाशनी नहीं लेनी है। हमारी शुगर जब अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी एक बार पानी में, उसके बाद हम 2 मिनट तक सिम पे अपनी चाशनी को रखेंगे और फिर फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें हमें चाशनी थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी की चाहिए, बहुत थिक नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारा जो रोल है वो अच्छी तरह से चाशनी पी नहीं पाएगा। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी और सिर्फ हमें 2 मिनट्स इस चाशनी को ऐसे ही होने देना है और फिर हमारी चाशनी बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे तलने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है, इसमें घी डाल के गर्म होने रख दिया है। घी हमारा गर्म हो गया, मेक श्योर कि आपका घी अच्छी तरह से गर्म हो, फिर ही आप अपने ये रोल्स इसमें डालें तरीके से, जैसे ये अब हमारे रोल्स जो हैं वो फ्राई होंगे। इन्हें पलटने की जल्दी ना करें क्योंकि ब्रेड है और मावा है, दोनों थोड़े से सॉफ्ट एंड डेलिकेट हैं, इसलिए हम इन्हें आराम आराम से तलेंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखें, ना बहुत ज़्यादा तेज ना एकदम स्लो, मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं और अच्छा हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे हो गए हैं, नाइस एंड क्रिस्प। अब इन्हें हम ये जो चाशनी हमने यहाँ पर बनाई है इसमें डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा सोक होने देंगे चाशनी में। ओके फ्रेंड्स, तो अब रोल्स हमारे रेडी हैं, अब बारी है इनकी फाइनल गार्निशिंग की। तो इसके लिए इस तरह से मैं ये हमारा नारियल का पाउडर लूँगी और इनके ऊपर बहुत ही लाइट लाइट सा स्प्रिंकल करूँगी, इस तरीके से हल्का सा आगे पीछे हर तरफ से कोट करके रख लूँगी। सेम प्रोसेस सभी के साथ करेंगे, हल्का हल्का सा इन्हें अच्छी तरह से हमारे नारियल के बूरे में रोल कर लेंगे इस तरह से। ओके, सो ये नारियल बुरा हो गया, अब मैं इन्हें पिश्ते से थोड़ा सा एक फाइनल टच दूंगी ताकि हमारी मिठाई जितनी खाने में टेस्टी है उतनी ये दिखने में भी यम्मी एंड डिलीशियस लगे। ओके, सो ये रेडी है हमारे मावा ब्रेड रोल्स। ओके, तो हमारे मावा ब्रेड रोल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और हमने इन्हें गार्निश भी कर लिया है, लेकिन अब बारी आती है इनकी प्लेटिंग की। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेट लेके इन्हें यूं डेकोरेट करिए और पार्टीज या फेस्टिवल्स में ये मिठाई आप सर्व करिए। आई एम 100% श्योर कि खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और अभी आपने हमारे वीडियो में देखा कि इसे बनाना बेहद ही सिंपल है फ्रेंड्स, तो इस मिठाई को अपने घर पे ज़रूर बनाइए और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जब आपने ये मिठाई अपने घर पर बनाई तो ये मिठाई कैसी लगी सबको, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबको खिलाइए। आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं,
आप अपनी फेस्टिवल की मिठाई लिस्ट में भी इस मिठाई को ऐड कर सकते हैं। और ये भी बताइए कि आगे आने वाले वीडियोस में आप किस तरह की रेसिपीज हमसे देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो हम आते रहेंगे आपके साथ इसी तरह की और नई नई रेसिपीज के साथ। टिल देन बाय बाय।